प्रदेश की सुक्खू सरकार के निर्देशों के बाद गगरेट विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की कवायद शुरू हो गई है। लिहाजा विधायक चैतन्य शर्मा एवं डीसी ऊना की अगुवाई में जिला प्रशासन ने सरकार के निर्देशों के तहत डे बोर्डिंग स्कूल को स्थापित करने के लिए कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है। योजना को अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से रविवार को विधायक चैतन्य शर्मा, डीसी ऊना राघव शर्मा, सेवानिवृत्त चीफ सेक्रेटरी राकेश शर्मा, एसडीएम गगरेट सौमिल गौतम ने संघनई में भूमि चयन के लिए साइट का निरीक्षण किया। आम सहमति से संघनई के वार्ड नंबर 2 की गुज्जर खड के नजदीक लगभग 70 से 100 कनाल भूमि को चिन्हित किया गया, जिसे शीघ्र ही शिक्षा विभाग के नाम किया जाएगा। गौर रहे कि इस इंग्लिश मीडियम डे बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। डे बोर्डिंग स्कूल में पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक करीब 500 विद्यार्थियों के साथ खेलकूद, बौद्धिक व शारीरिक विकास संबंधित गतिविधियां भी उपलब्ध रहेंगी, जिससे विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक तकनीक संबंधी जानकारी भी प्राप्त होगी। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक चैतन्य शर्मा ने बताया, डे बोर्डिंग स्कूल की स्थापना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप डीसी ऊना की अगुवाई में संघनई गांव में भूमि को चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार 70 से 100 कनाल भूमि पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल परिसर की स्थापना की जानी है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल की स्थापना के लिए चिन्हित भूमि को अंतिम रूप प्रदान कर मामला प्रस्तुत करें, ताकि आगामी कार्रवाई के लिए मामला सरकार को भेजा जा सके। डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया, यह स्कूल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें बच्चों के लिए पढ़ाई, खेल एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों सहित अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि संघनई में भूमि चिन्हित किए जाने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल स्थापना के लिए इस भूमि को शिक्षा विभाग के नाम कर दिया जाए। उधर ग्राम पंचायत प्रधान ईशा ने उनके गांव संघनई में डे बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की कवायद शुरू होने पर हर्ष जताते हुए विधायक चैतन्य शर्मा की उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इस अवसर पर तहसीलदार घनारी रोहित कंवर, डिप्टी डायरेक्टर उच्च शिक्षा जनकदास, प्रवीण, गुरमीत, वीरदीन, शाह अली, त्रिलोकचंद्र, सोनिया, धर्मपाल, कुलदीप, चंचला, देवी, अंजू बाला इत्यादि मौजूद रहे। किसी का पानी किसके लिए ला रहे हो? लोगों के लिए। आप इसी प्रोजेक्ट में आ गया पानी, प्रोजेक्ट में भी पानी बनेगा। आप इसमें ट्यूबवेल बता दो कितने स्क्वायर? 196 स्क्वायर फीट चाहिए सर। 10 मरले का ये तो 10 ही हुआ जी सर। बांध के इधर ये सर खड्डा है। एग्जैक्टली पूरी खड्डा आ जाती है या कुछ रेज पोर्शन भी तो है? खड्डा सर ये नीचे जब आपका बांध के इस साइड ही होना है जो होना है इसी कॉर्नर में इस तरफ। ठीक है सर, कर देते हैं यहाँ पे 196 क्या 196 स्क्वायर मीटर निकाल देते हैं। ज़्यादा कुछ इसके अंदर भी रहेगा कोई दिक्कत? इसका बताओ सर, ये लगभग 13-14 मरले का है ये छोटे वाला सर। इसमें कम से कम 300-400 मालिक है। 400 मालिक? 300 नहीं तो कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं है ना? नहीं सर खाली है। तो सर उनको थोड़ा इस तरफ हम शिफ्ट कर दें तो ये वाला लैंड होगा, क्योंकि इस तरफ फिर हमारा ये कंटिन्यूटी में हो जाएगा। ये वाला ये इतना सारा पोर्शन है तेरा ये 3 सर ये 14 मरले है ना सर? इसमें हम पैच ही यही प्रपोज करते हैं पहले, लेट द प्रोजेक्ट बिगिन ना। ये बाद में हम इसको हाउसिंग में ले जाओ। नहीं दूसरा है एडिशनल लैंड में आगे ले लेंगे ना सर इसको। नहीं आप दिखा दो ना, मैं तो कह रहा हूँ नक्शे में दिखा दो कि मेन 70 कैनाल जो है दिस इज बिकमिंग 70 कैनाल। ठीक है 100 कैनाल की डिमांड है तो 70 तो क्लियर है। ये बोल रहे हो ना आप? पूरा बिल्कुल ये वाला बोल रहे हैं बिल्कुल सर। तो हम सर क्लियर है ये 72 कैनाल जो है हम इसी को ट्रांसफर करने के लिए भेज देते हैं। आगे अगर रिक्वायरमेंट होगी तब ये सारा पंगा देखेंगे, अभी इसके लिए इसको नहीं रोकते हैं। हाँ वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये तो आप भेज दो कि क्लियर हमारे पास पैच है, वी आर रिकमेंडिंग इट एंड देन लेट अस गिव अ कैप्शन आल्सो दैट देयर इज अ एडजॉइनिंग लैंड आल्सो व्हिच कैन गो फॉर अ हाउसिंग पर्पसेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दैट आफ्टर ऑल प्रोजेक्ट तो बनेगा, एक स्कूल बनेगा, इसकी हाउसिंग बनेगी। 14 मरले हाउसिंग कैन गो देयर। 3 कनाल 14 मरले हमारे पास ये है तो 14 मरले तो आई थिंक इधर इंटरचेंज कर दो ना। मैं तो कह रहा हूँ 14 मरले हमारे पास 3 कनाल 14 मरले अलग से लाना पड़ेगा ना ऐसा ना। फर्स्ट पैच है ना ये नंबर, ये बड़े वाला सर सारे मटकी इसको फिर मैं इसको आप रिकमेंड कर दो और ये साथ में चला जाएगा, ये अलग से चलाते हैं इसको कि दैट इफ मोर लैंड इज रिक्वायर्ड देन दिस मच इज अवेलेबल विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सचेंज विल हैव टू बी डन, दैट्स ऑल। ये बताओ ना, ये जो ये किसी नाम बोलोगे ये जमीन किस दो चार लोगों के नाम बोलो किसके। मिनिमम 100 बोला था मिनिमम, नहीं वो बड़ी विवाद था 50 सीएम साहब ने बोल दिया। आप आज बिल्कुल कर दो 75 सर वो जो है जो आपने देखी है अभी हां बिल्कुल। अरे वैसे भी टाउन के बाहर है जहां भी आबादी से दूर है, मानते नहीं है कोई, मानेगा वहां पे वी हैव दैट साइड व्हिच इज रिमोट, कोई पब्लिक है नहीं, कुछ नहीं, पब्लिक का इंटरेक्शन ही नहीं है उस पे। एमएलए साहब भी यही चाह रहे हैं कि वहीं पे कर दो फिर जहाँ पब्लिक नहीं है। अच्छा तो आप कह रहे हैं सर कि डिसकंटिन्यूअस पैच भी कर दें प्रोजेक्ट के लिए। आपके जितने भी सेंट्रल स्कूल्स बन रहे हैं, आपका ये आ रहा है जो भी पंजाल में कोई भी इकट्ठे नहीं आने वाला, अभी जैसे अलग से यहाँ पे कई बार होता है सर बीच में गया जी सर, इसको फिर उधर शिफ्ट करा देना, उधर कर देना हैबिटेशन, ठीक है। ये आईपीएच वाला क्या है इधर, वो तो रहेगा, वो तो सर बना ही है ना, वो तो बना रहेगा, उसको रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इस प्रोजेक्ट में रख लो ठीक है, जितने भी करना है ये वो सब बात कर लो। 10 ये बना देंगे, ये सारे है ना, ये जो ये सारे सरकारी है जी, हां तो ठीक है ये भी सरकारी है, ये सरकारी है जी सर। सर ये तो भाई सारा पूरा पैसा ये भी सरकारी है, बस ये किसी ये आप चेंज करना होगा दे दोगे, ये दान करनी करोगे दान, लो जी ये दान भी कर देंगे। अच्छा कौन सा वाला, यही वही हम बोल रहे हैं, इट इज हार्डली अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, इनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है कि इतना बड़ा स्कूल आएगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आएगा। कूड़ादान से तो सर अच्छा ही है, हमें तो यही चाहिए, कूड़ादान नहीं चाहिए इनको, इनकी मेन प्रॉब्लम कूड़ादान, वो बनने नहीं देंगे। ये भी अल्टीमेटली मेरा सजेशन है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत बढ़िया, यानी इसको कृष्णा हाँ वहाँ भेज दो, इसको भी आप गवर्नमेंट को भेज दो, तो फिर तो लैंड ही लैंड होगी, फिर तो आप 100 पूरे पहुँच गए, फिर तो आप 100 कनाली हो गए। नहीं तो ये 14 ये वाला ये जो है इसका ये पीपल आर विलिंग, ये खड़े आ देखो जो जो दो चार वो सारों का हम एक बारी लिस्ट निकाल के, इतना तो बहुत ही कम आती होगी फिर अगर इतने लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, मतलब मसरका खाता है बहुत ज्यादा है, बस करके खाता है, तो वही जो है आप I think you send a proposal to the government for exchange. That's all. They are in the same facility. We are not even changing their location. ये सारे मालिकों ये हैं सर, सारे मालिकों के नाम से ये निकाले बच्चे हमसे भैया लेवल एक्सचेंज बाकी का मैप बना के ये 4 ये सब बात कर लो 10 ये बना देंगे, ये सारे हैं ये जो ये सारे सरकारी हाँ तो ठीक है ये भी सरकारी है जी सर। सर ये तो भाई सारा पूरा एक्सचेंज करना होगा दे दोगे, दान करनी करोगे दान, लो जी ये दान भी कर देंगे। अच्छा कौन सा वाला, यही वही हम बोल रहे हैं, इट इज हार्डली अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, इनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है कि इतना बड़ा स्कूल आएगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, कूड़ादान से तो सर अच्छा ही है, हमें तो यही चाहिए, कूड़ादान नहीं चाहिए इनको, इनकी मेन प्रॉब्लम कूड़ादान, वो बनने नहीं देंगे। ये भी अल्टीमेटली मेरा सजेशन है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत बढ़िया, यानी इसको कृष्णा हाँ वहाँ भेज दो, इसको भी आप गवर्नमेंट को भेज दो, तो फिर तो लैंड ही लैंड होगी, फिर तो आप 100 पूरे पहुँच गए, फिर तो आप 100 का नाली हो गए। नहीं तो ये 14 ये वाला ये जो है इसका ये पीपल आर विलिंग, ये खड़े आ देखो जो जो दो चार वो सारों का हम एक बारी लिस्ट निकाल के, इतना तो बहुत ही कम आती होगी फिर अगर इतने लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, मतलब मसरका खाता है बहुत ज्यादा है, बस करके खाता है, तो वही जो है आप I think you send a proposal to the government for exchange. That's all. If they are in the same facility, we are not even changing their location. ये सारे माल को ये है सर सारे माल को ये निकाल है ना बच्चे हम सुनते हैं यार ये देख सी बाकी का मैप बना ये 4 आज संगनई गांव में स्थित जो है हमने अपने फ्लैगशिप गवर्नमेंट के प्रोग्राम के लिए जहां पर हमने इंग्लिश डे बोर्डिंग स्कूल की जो हमने अपने इलेक्शन के टाइम पे भी बात रखी थी उसके लिए हमने आज ज़मीन के आवंटन के लिए जो है प्रक्रिया हमारे ज़िले के प्रशासन के द्वारा जिसकी मुहिम चलाई जा रही है उसके अंतर्गत आज ज़मीन का जो है आवंटन एक प्रिलिमिनरी बेसिस पे करा गया है। सबसे पहले तो मैं हमारे ज़िले के डीसी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने एफर्ट्स के द्वारा और साथ साथ में जो हमारे ब्लॉक का प्रशासन है हमारे एसडीएम साहब तहसीलदार साहब उन्होंने अपनी एफर्ट्स लगा के जो है यहाँ पर ज़मीन का आवंटन कर लिया है। साथ साथ में मैं हमारे स्थानीय निवासियों का हमारी पंचायत का जो संगनाई की है उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो भी इस मुहिम का जो है हिस्सा बने हैं। ये जो हमारी राज्य सरकार की प्राथमिकता है युवाओं को लेकर और शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित जो हमारे युवाओं के लिए आगे उनको बढ़ावा देने के लिए उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत ही इनिशिएटिव जो है हमने अपने पहले 100 दिन के अंदर बोला था तो उसके लिए हमने प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है। सो जैसे अभी बताया गया डीसी साहब द्वारा कि 70 to 80 कनाल जो जगह है हर एक विधानसभा में आवंटित करी जा रही है और उसी प्रक्रिया को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज अपने गगरेट का भी जो है उसका भी कर लिया है। तो मेरी हमारे स्थानीय निवासियों से भी और पंचायत से भी यही निवेदन रहेगा कि वो भी अपना योगदान जो है इसमें जो है अच्छे तरीके से करें और आगे आने वाले वक्त में जो ये प्रोग्राम है इसको इसकी रूपरेखा बनाते हुए इसको धरातल पर उतारा जाएगा। थैंक यू सो मच। आज संगनई में जो राज्य सरकार का डे बोर्डिंग स्कूल्स का प्रोजेक्ट है उसके लिए ज़मीन जो है वो आज यहाँ चिन्हित की गई है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आसपास के जो क्षेत्र है उसके लिए एक मॉडल स्कूल जो है वो स्थापित किया जाएगा यहाँ पर, जिसमें सभी सुविधाएं आसपास के जो हमारे स्थानीय छात्र छात्राएं उनको मिलेगी। इसमें बड़ा प्लेग्राउंड, साइंस लैब इत्यादि जो सुविधाएं वो उपलब्ध होंगी। तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की प्राथमिकता जो है सरकार की है और उसके अंतर्गत हम फरवरी माह में लगभग 70 से 100 कनाल की भूमि जो है हर विधानसभा क्षेत्र में चिन्हित करके शिक्षा विभाग को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हम विधायक जी का बहुत ही अपने तहे दिल से शुक्राना करते हैं कि हमारे यहाँ पे डे बोर्डिंग उनकी कृपा कर कमलों से यहाँ पे आ रहा है जी। ठीक है, हेलो नमस्कार जी। हमारे गांव में जो चैतन्य शर्मा जी ने स्कूल लेकर आए हैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम। हमारे गाँव का तरक्की के लिए धन्यवाद। आज हमारे सिंगनई गांव में जो है डे बोर्डिंग स्कूल के लिए जो है डीसी साहब और विधायक जी जो है हमारे यहाँ पे जो है जगह का जो निरीक्षण करने आए हैं। तो यहाँ पे जो है स्कूल जो है वो हमारे जो सिंगनई में जो है डे बोर्डिंग स्कूल जो बन रहा है उसके लिए हमें जो हमारी पंचायत को और पूरे गांव को जो है बहुत ही खुशी है और हम जो है विधायक जी का जो है बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं।